hello dear students from today we will start our chapter mole concept uh, this is very important chapter of physical chemistry this is very important chapter of class 11th basically if we say chemistry is divided into three parts physical organic and inorganic and mole concept is the basic building block of physical chemistry if you know this then physical is chill if you don't know this then you have to face a lot of problem in physical chemistry okay so uh, you might have studied mole and ninth class as well but uh, that was uh, only a bit okay. the main things the main cheeze hai wo aapko 11th class mein padhni hai in this chapter mole concept and stoichiometry theek okay. hai stoichiometry basically means the the study of uh, measuring of elements in stoichiometry hai na and mole concept is like स्टोशोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट आपको इसमें मोल्स के बारे में बातचीत करनी है क्या moles रहेंगे कैसे आप atoms को measure करोगे क्या क्या units रहती हैं और बैलेंसिंग करके आपको कैसी कैसी चीज़ें आ गई गवर्न करनी है मतलब इट इज़ अ वेरी बहुत यूजफुल है और साहब यूज तो है ही सही और उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्ट चीज़ें करने में भी बहुत काम आता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इससे और इनडायरेक्ट तो आते ही हैं विदाउट दिस पेपर ऑफ जई एंड ऑल दो मेक क्योंकि इनडायरेक्टली तो लगेगा ही सर हर चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में लगेगा इवन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी लगता है तो बिना टाइम गोवा दोस्तों चालू करते हैं मोल कंसेप्ट ठीक है चलिए तो सबसे पहले अपन मोल कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट मैटर मैटर मतलब सर मैटर मतलब मैटर होगा नहीं मैटर मीन्स एवरीथिंग Anything, anything which has mass and occupies some space is matter. As you can see, there are large number of objects around us. Everything is object, this board, this pen, everything is object. And object in other words can also be called as a matter. And what is the definition of matter? Uh, you might also have studied this definition in class 9th, probably that everything which has mass and occupies some space is called a matter. Yeah? Mass on say your good space that is the matter. Take it. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैटर ठीक है है अब कोई matter है, उसको क्लासिफाई करना है अलग अलग टाइप से तो क्लासिफिकेशन बेस्ड बेस्ड ऑन ऑन फिजिकल एज एज वेल केमिकल अब इसमें इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है तो फिजिकल बिहेवियर पे आपका मैटर या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होंगे है ना द स्टेट्स ऑफ मैटर यू मैटर स्टडी वैसे तो और भी प्लाज्मा और बीसी ये सब भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे बट द मेन थ्री फिजिकल थ्री फिजिकल स्टेट्स आर

Property, boiling point, freezing point, वो बात करोगे gas? जो है 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 आपकी 11th में physical chemistry में आएगा ना After two or three chapters, you will see कि नाम का भी एक है जो काफी इंपॉर्टेंट है तो ये सब चीजें खैर एनसीआरटी में अलग अलग जगह पर दे रखी है बट दिस आर वेरी सिग्निफिकेंट और बेसिक बातें तो आपको मालूम ही है कि साहब गैसेस होते हैं वो ऐसे जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उसमें वीक होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉग होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं ना, में जो बिटवीन सॉलिड शेप है लिक्विड uh, 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 में भी शेप कोई फिक्स नहीं होता है दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर इन विच आर पोर्ट है ना जैसे जग में डालोगे तो जग का शेप ले लेंगे बॉटल में डालोगे तो बोतल में तालाब में डालोगे में। में। तो तो, okay. सर ये भी हमने बचपन में पढ़ाओ बचपन मतलब नाइन टेंथ में पढ़ा हुआ ठीक है तो सर आप इलेवंथ में क्यों पढ़ा रहे भैया इलेवंथ में पढ़ा रहे हैं जेई का पढ़ा रहे तो शुरुआत तो बेसिक से ही करना पड़ेगी ना एकदम पहाड़ पे ऊपर से कूद जाओगे शुरुआत

होमोजीनियस मिक्सचर है हाइट्रोजीनियस मिक्सचर ठीक है तो होमोजीनियस और हाइट्रोजीनियस क्या होता है जैसे देखो साइंस में दोस्तों संधि विच्छेद करोगे तो बहुत सारा काम हो जाता है होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सब ऐसा मिक्सचर जो आपको एक जैसा लगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक आप डालो ठीक है कोई भी चीज में आप जैसे ऐसा जरूरी नहीं दोनों के फिजिकल स्टेट सेम हो जैसे आप पानी में अगर आप सॉल्ट डाल रहे हो नमक डाल रहे हो थोड़ा है तो ना फिर पानी में आप शक्कर डाल रहे हो ठीक है तो दिस आर आप पानी में शक्कर डालोगे नमक डालोगे घोलोगे थोड़ा सा तो मिल जाएगा लगेगा ही नहीं अलग देखने देखने से देखने से नहीं लगेगा अलग ठीक है या फिर कोई दो ऐसी चीजें जैसे दो कोल्ड ड्रिंक्स मिक्स कर दी तो वो मिक्स हो जाएंगी थोड़ा सा दिखेगा भी सही बट वो मिक्स हो रही है हाइड्रोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसी चीज जो आप मिक्स करोगे अलग ही दिखे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि दो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड्स डाल दो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप ले सकते हो ऑयल एंड वाटर है ना ऑयल एंड वाटर जब वाटर में आप तेल को मिलाओ वाटर में पेट्रोल को मिलाओ मिलेंगे थोड़ी डेंसिटी में देर इजूज डिफरेंस है ना वाटर की डेंसिटी और पेट्रोल की डेंसिटी या फिर ऑयल की डेंसिटी में देर इज यूज डिफरेंस दोनों की लेयर अलग अलग हो जाएंगी है ना या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड को वाटर के साथ डाल दो वो हाइट्रोजीनियस मिक्सर रहेगा आपको अलग ही दिखेगा ठीक है या फिर रेत को मिला दो पानी वानी में तो अब तो एकदम अलग नीचे सेटल होगी दैट इज हाइट्रोजीनियस है ना होमोजीनियस मतलब जो मिक्स हो जाए और आपको पता भी ना पड़े एक्चुअली वो मिक्सचर है वो अकेला नहीं है मतलब जैसे आपने पानी में नमक डाला है शक्कर डाले तो एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर या फिर दो कोल्ड ड्रिंक इट इज अ मिक्सचर ठीक है या फिर दो अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर मिला है वाटर में सोडा मिला है दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्स हो जाएगा बट आपको पहचान में नहीं आएगा बट हाइड्रोजीनियस मिक्सचर मिक्स होने के बाद दिखेगा भैया कि ये अलग है वो अलग है मिक्सचर uh, है चीजों का मिक्सचर है पर हाइड्रोजीनियस है ना इसको अपन शॉर्ट में मिक्सचर भी बोल सकते हैं एक्चुअली वो मिक्सचर है प्योर सब्सटेंस भी दो चीज होती है एलिमेंटल फॉर्म एंड कंपाउंड फॉर्म सर ये क्या चीजें होती है एलिमेंटल फॉर्म जैसे कोई एक अकेला एलिमेंट है है ना जैसे हीलियम है नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है हीलियम हाइड्रोजन फॉस्फोरस ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है बट यही एलिमेंट जब इंडिविजुअल एलिमेंट मोर देन टू इंडिविजुअल एलिमेंट टू और मोर देन टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर उंड जैसे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो दे फॉर्म एच टू ओ सर एच टू ओ ही क्यों बनाया एच टू और कुछ और क्यों नहीं बनाया तो वो अपन सीखेंगे धीरे धीरे क्रिस्कोस और सब चीजें सारी चीजें यहाँ सीखेंगे वैसे आप इलेवेंथ में आए तो आपको पता ही होगा बट फिर भी अपन बेसिक से पढ़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला तो यू गेट अंपाउंड एच टू ओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो देर बराइटी ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एन टू ओ एन ओ टू एन टू ओ थ्री एन टू फाइवी ऑफ कंपाउंड ठीक है

जो अपन अब तक कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर दोनों की बातें अपने कर ली है दोस्तों चलिए आगे बढ़े ठीक है वही चीज है जो मैंने आपको समझा दी उसी की प्रेजेंटेशन है ठीक है कि इस बेसिस पे प्योर सब्सटेंस मिक्सचर और फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करा गया है ठीक है मैंने तो आपको वो उसमें फ्लो में ही सब कुछ समझा दिया था ठीक है नाउ मूविंग टू दी एटॉमिक थ्योरी जो सबसे पहली सिग्निफिकेंट एटॉमिक थ्योरी है दैट इज जॉन एटॉमिक थ्योरी ऐसा नहीं है कि एटॉमिक डाल्टन भाई साहब के पहले किसी ने कुछ नहीं करा था डाल्टन भाई साहब के पहले शायद समथिंग लाइक दैट ना वो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने चीजों को बोला था कि एटमोस एटमोसफियर सर ऐसे अजीब अजीब से नाम कहां से लाते हैं ये लोग अरे ग्रीक साइंटिस्ट लोग वो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे अगर अपन कुछ कर रहे होते तो अपन अपना नाम दे देते किसी का किसी का नाम दे देते सेवास किसी का नाम परमोलोस किसी का नाम फलानोस डिमकोस तो इट लाइक

अपू सम एक्सटेंट फॉर मीनिक सो जॉन डेल्टन भाई साहब ने अप्रोक्सिमेटली थी आई विल टेल यू डेल्टनिक थ्योरी एंड इट्स की क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं ये सब चीजें अपन यहाँ पर पढ़ते हैं ठीक है तो

ऑप्सिलीट ऑल द आइटम्स ऑफ गिवन पर्टिकुलर एलिमेंट इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट यहाँ कभी मैं आपको ड्रॉबैक बता दूंगा कि भैया क्या ड्रॉप आएगा ठीक है बट ही सेड दैट फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस अगर आप बात करो ऑक्सीजन है ना तो ऑक्सीजन आप लो ऑक्सीजन का आइटम कहीं भी लो तो उसका मास शेप साइज सब कुछ सेम रहेगा ड्रॉपैक की बात करेंगे अपन है ना कि क्या ड्रॉपैक है इसका नाउ आइटम्स दिस इज फॉलो अप ऑफ फर्स्ट पार्ट ठीक है जो टाइम इंडिविजुअल मैटर है वैसे तो आपको अगर एग्जाम में आए तो अलग से ही पॉइंट बना के लिखना है बट इट इज अ फॉलोअप ऑफ थर्ड पार्ट की एटम्स फर्दर क्रिएटेड केन नॉट बी डिस्ट्रॉइड बाई एनी केमिकल और फिजिकल मैथड और एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस की जो आइटम बन रहे हैं उसको आप फर्दर डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते वो सबसे टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल है ठीक है अब ये सेकंड का फॉलोअप है सेकंड में क्या बोला उन्होंने कि कोई एक गिवन एटम है कोई एक पर्टिकुलर एटम है उसको आप कहीं से भी लोगे इट विल बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट फिर चाहे आप उसकी मास की बात करो शेप की बात करो साइज की बात करो बस तो गलत है बट <laughs> और स्टेटमेंट भी स्कूल एग्जाम के लिए आप इतना तो लिख सकते हो ठीक है ना इसका फॉलोअप क्या है कि जो सेम एटम है वो तो हर चीज में आइडेंटिकल होंगे ऑक्सीजन को पकड़ो तो ऑक्सीजन का मास वही रहेगा शेप वही रहेगा साइज वही रहेगा और अगर आप ऑक्सीजन को किसी दूसरे से कंपेयर करो फिर कंपेयर ऑक्सीजन विद एनी अनादर एलिमेंट देन

एलोट्रोप्स और आइसोट्रॉप दोनों की बात करेंगे ऑफ़ कार्बन क्या क्या हो सकते हैं डायमंड है, 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 है टेंथ में पढ़ा हुआ है ना और भी होते हैं लैंप ब्लैक और कोयला बहुत सारी चीजें बट अपन सिर्फ डायमंड की बात करें एलोट्रोप ऑफ कार्बन डज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड नहीं रहे दादा जमीन आसमान का फर्क है डायमंड सिल्वरी वाइटरी सिल्वरी क्या स्ट्रॉन्ग सॉलिड सब्सटेंस है एकदम लाल खतरनाक कनेक्शन है ग्रेफाइट जो है उसमें वीक कनेक्शन है स्लिपरी सॉलिड और भी ऐसे बहुत सारी बातें कि एसपी थ्री एस SP, पी वो तो आगे पढ़ेंगे ठीक है तो डायमंड एंड ग्रेफाइट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एवरीथिंग है ना वन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट एंड अनदर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट डायमंड डायमंडर इज अ यूज डिफरेंस इन पॉइंट एंड बोलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट सो देर इज अ लार्ज डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट अपार्ट फ्रॉम एलोट्रोप्स इफ यू टॉकोटो इफ यू टॉक तो दिस कार्बन सिक्स कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन ठीक है जो नीचे लिखा जाता है जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है दोस्तों जेड एम ए ऐसे लिख लो जो जेड है वो क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स

Hmm, भैया हाँ, इसका मास है जो ऊपर लिखते हैं मास नंबर और जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं तो मास नंबर तो डिफरेंट हो गया है ना मास नंबर तो डिफरेंट हो गया जो कार्बन फोर्टीन हो, हो तो कार्बन डेटिंग में यूज होता है मोस्टली कार्बन ट्वेल्व मिलता है बट कार्बन फोर्टीन इज रेडियो इन कार्बन डेटिंग तो कार्बन के ही तो अलग अलग कंपाउंड होगा डिफरेंट मासेस उनने तो बोला भाई साहब मास वास सब कुछ सेम होना चाहिए ऐसा थोड़ी होता है तो ये भी गलत होगा ये भी गलत वो भी गलत है ठीक है एटम्स कैन नॉट भी फर्दर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉइड कितनी केमिकल रिएक्शन है कितनी न्यूक्लियर रिएक्शन है ना जो न्यूक्लियर डीकेज है न्यूक्लियर रिएक्शन है जितनी भी चीजें हैं उसमें तो हम हाँ बनाते ही हो एटम्स को डिस्ट्रॉय करते ही हो है ना अलग से आर्टिफिशियली कभी कभी भेजते हो ठीक है और आखिरी चीज क्या एटम्स ऑफ तो वो भी गलत हो गया कि सब ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकते डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर मतलब अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट ही होना चाहिए ऐसा नहीं होता है कभी कभी जैसे आपने सुना होगा डायगोनल रिलेशनशिप नहीं सुना हो तो सुनेंगे केमिकल पीरियोडिसिटी uh, में ठीक है कि लिथियम और मैग्नीशियम लिथियम और मैग्नीशियम में तो हर चीज में डिफरेंस है मास में नंबर में एवरीथिंग में बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी मैच होती है उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं है ना आगे वी विल स्टडी अबाउट इट और भी ऐसी भी है ऐसी ऐसी चीजें चीजें रिलेशनशिप के अलावा बहुत जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं ठीक है है थ्योरी की बात कर ली कि ये क्या स्टेटमेंट इस है इसके क्या पॉसिबिलिटी एग्जाम में जरूर आपको लिख के आना है बट ये सारे पॉसिबिलिट फेल है इसके आगे की जितनी बातें लेक्चर मोल और अपन आज पार्ट कवर है, ना नाउ